नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 78 इंडिया न्यूज़। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही कानपुर के बर्रा थाने से, जहां पे आम आदमी पार्टी प्रत्याशी विवेक द्विवेदी जी के प्रिंटिंग प्रेस से लौट रहे सामान को रोका पुलिस ने। आखिर क्या कारण हो सकता है? क्या इसमें किसी की साजिश हो सकती है? देखिए कानपुर से सर्वेश शुक्ला की खास रिपोर्ट यूपी 78 इंडिया न्यूज़ पर। आज सुबह करीब 7:30-8 बजे की बात है, हमारी एक गाड़ी प्रिंटिंग प्रेस से एक पंपलेट लेकर कार्यालय जा रही थी, जिसमें पूरी तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हमने फॉलो किया है। उसमें मुद्रक का नाम भी है, क्वांटिटी भी है। कुछ तो ऐसे कागज़ हैं जिसमें ना तो पार्टी का नाम है ना प्रत्याशी का नाम है। उसको भी ये कह रहे हैं कि ये प्रचार सामग्री है जिसकी अनुमति आपके पास नहीं। पहले मुझसे एक घंटे ये बताया गया कि गाड़ी की परमिशन नहीं है, फिर मुझको एक घंटे बाद बताया गया कि नहीं, इसके लिए गाड़ी की परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, सामग्री की परमिशन नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दोनों ही परमिशन ACM साहब के यहाँ लंबित है। काफ़ी दिनों से हम लोग परसू कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रही हैं परमिशन, इसलिए हम उस चुनाव सामग्री का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। हमने कहीं बांटा नहीं, केवल एक कार्यकर्ता जो था वो गाड़ी चला कर आ रहा था और कोई उसके साथ भी नहीं था, और इसको उन्होंने रोक लिया है। सुबह से तब से हम लोग थाने आए हुए हैं, ना तो ये कार्यवाही कर रहे हैं, ना हमको जाने दे रहे हैं और ना हमको छोड़ रहे हैं। उचित कारण से कार्रवाई की, कारण बताने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। ACM साहब से बात भी हुई, उन्होंने कहा अगर आपकी प्रार्थना पत्र हमारे यहाँ लंबित है तो हम गाड़ी छोड़ देंगे, आपकी सामग्री भी छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें मुद्रक का नाम लिखा है, क्वांटिटी लिखा है। परंतु अब ACM साहब भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और ये लोग हमको सुबह से बैठा ले हैं, ये जानबूझकर हमारा दिन खराब करने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग, और मैं सबसे मदद मांग रहा हूँ।